सोनभद्र में मारे गए 10 देश के होनहार नागरिकों के लिए आज पूरे देश से आवाज़ें उठ रही हैं। पूरा देश जानता है किस तरह एक ज़मीनी विवाद के चलते जो देश के जो वो नागरिक हैं, शोषित पिछड़े समाज के जो नागरिक हैं, जिनको शायद रोटी भी तब मिलती है जब वो सुबह को घर से निकलते हैं, घंटा दो घंटा पाँच घंटा धूप में काम करते हैं, शायद उसके बाद उनके घर के चूल्हे जल पाते हैं, और ऐसे लोगों को बड़ी निर्ममता से कत्ल कर दिया जाता है दिन दहाड़े। और आप शान देखिए कि ISPCS तबके के वो लोग जिनका हाथ निकल कर आ रहा है मीडिया की दखलंदाजी के बाद, आज ये तमाम सैकड़ों लोग आए हैं दिल्ली के अंदर इसी मामले पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए। सर, क्या क्या मामला, क्या क्या नए परिप्रेक्ष्य निकल कर इस मामले में आए हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, परिचय के साथ, मेरा नाम मदन प्रसाद गोंड जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष STCL से जी। जी, आज सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले ये तो बहुत लोगों को, प्रशासन को भी मालूम नहीं है कि आदिवासी है कौन, आदिवासी कहते किसको हैं। अरे आदिवासी इस देश का मूल निवासी है जिसको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी जब देश आज़ाद हुआ था तो 65% जमीन हमने इस देश को दिया था, हम वो लोग हैं। हमने अगर 65% जमीन देकर अगर विलय नहीं किया होता, ये भारत का स्वरूप आज जो आप देख रहे हैं ये देखने को नहीं मिलता। जी जी। उसके बाद हमारे जल जंगल की लड़ाई है। जल जंगल जमीन हमारा है, इस पर कोई नहीं बंटवारा है, ये हम चाहते हैं। लेकिन आज 5वीं अनुसूची का उल्लंघन, 6वीं अनुसूची, हम तो संवैधानिक अधिकार को, संवैधानिक हक को कहते हैं कि भाई पूर्ण संविधान को पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र में लागू करो। अभी तक तो संविधान ही पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, चाहे सरकार किसकी भी हो, चाहे पार्टी कोई भी हो। उसके बाद अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको नक्सलाइट कह के मारा जाता है। अगर यही काम हम किए होते तो हमें कहा जाता कि नक्सलाइटों ने यह काम कर दिया, और यही काम वो उन्होंने किया है तो उनको दबंग कहा जा रहा है। ये सरकार की जो बोली भाषा है, सरकार की जो दोहरी नीति है, दोहरी चरित्र है, हम इसके विरुद्ध हैं, हम इसके खिलाफ हैं। उसके बाद अगर मुस्लिम इस देश के अंदर अपनी आवाज़ उठाता है उसको आतंकवादी कहा जाता है, आदिवासी उठाता है उसको नक्सलवादी कहा जाता है, अगर SC उठाता है तो उसको जातिवादी कहा जाता है। इस दोहरे क्षेत्र से हम लोग दुखी हैं, भारत की जनता इस दोहरे क्षेत्र से दुखी है। इसी दोहरे क्षेत्र का नतीजा हुआ है वहाँ का नरसंहार। जो IS मिश्रा है, उनका नाम क्या है, प्रभात कुमार मिश्रा, वो IS नहीं है, भू माफिया है एक्चुअली। उनका पक्ष है कि वो जमीन उनकी अपनी है, उन्होंने खरीदी है। अरे भाई, उनका जमीन अपना कैसे हो सकता है? अरविंद जी बताएंगे इस मैटर पे डिटेल। मेरा नाम अरविंद गोंड है, हम वहीं से सोनभद्र साइड से ही रहने वाले हैं। जी, जी, जी। जो कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है, तो आज़ादी से पहले वहाँ पे जो अभी लोग काबिज है, आदिवासी लोग आज़ादी से पहले काबिज रहे हैं, और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये चकबंदी और तमाम तरह भूमि अधिनियम आए, उसके तहत किसी भी कानूनन वो जमीन को नहीं लिया जा सकता। आज भी SC ST की जमीन कोई दूसरा नॉर्मल नहीं ले सकता। पिछले कई दशकों से आदिवासी समाज वहाँ पर खेती कर रहा है और उसका लाभ उठा रहा है जी। और ये भी सुनने में आया कि उस लाभ में से कुछ प्रतिशत वो जिनकी जमीन कही जा रही है उनको भेजता रहा है। दरअसल में देखिए, अब वो सच्चाई क्या है ये सब कहने वाली बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका उत्पीड़न करके जबरदस्ती उनसे लिया जाता है जी, उनका वो नहीं, कानूनन उनसे नहीं लिया जा सकता है। उनकी ज़मीनें ये ट्रस्ट बनवा करके वो फर्जी तरीके से कानून के विरोध उल्टा जा करके उनकी ज़मीनें ली गई। और सही कह रहे हैं आप, प्रभात कुमार मिश्रा IAS अधिकारी कहने के लिए तो हैं, लेकिन वास्तव में वो भूमाफिया हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी सरकार, पिछले सरकार जो भी सरकारें रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में इसकी नींव पड़ी है, बसपा सरकार, सपा सरकार ने बढ़ाया है। अभी तक किसान अपने पट्टे लेने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? हम मूल विषय पर आ रहे हैं, इधर उधर की बातें छोड़ दी, इतिहास में क्या रहा? अभी तक वहाँ के किसान मूल पट्टे क्यों नहीं ले पाए अपने? देखिए, ये अभी इन्होंने बताया कि ये संवेदनहीनता है आदिवासी के प्रति। सरकार किसी की भी रही हो, यदि आदिवासी है तो उसकी संवेदना समझ पाता है। सरकार में वो कभी नहीं रहे हैं, उनको कभी अधिकार नहीं दिया गया है, और जो संविधान में अधिकार हैं उसको तोड़ने के लिए, उनका अधिकार छीनने के लिए तमाम तरीके के ये हथकंडे अपनाए जाते हैं।
उसमें नियम कानून कायदे में थोड़ा बहुत उसका जो वीक पॉइंट है उसका फायदा उठाया जाता है, और जिसकी वजह से आज इतना जो आदिवासियों का केवल ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, नरसंहार हुआ है साहब, यहाँ पे नरसंहार हुआ, ये बिहार में होता था, और ये तो जानकारी मिल गई कि ये 10 लोग मारे गए, लेकिन अभी भी वहाँ पे तमाम ऐसे मामले हैं जो आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती छीनी गई है, वो बेचारे बोल नहीं पाते। आप मीडिया लोगों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आदिवासी समाज पूरा धन्यवाद देना चाहेगा कि ये मामला यहाँ तक आया, दिल्ली तक आपके सामने देख लीजिए, हम अपना प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे, पुलिस वाले साहब खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा आदेश यहाँ पर नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, हमें अपना बात अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए ऑर्डर लेना पड़ा, हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, यदि इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, ये बैठे हुए हैं सामने खड़े हैं, ये बताएं कैसे इतने पुलिस यहाँ पर आ गई, हम अपनी बात रखने के लिए हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हमने दिया है, और अभी आपके सामने कह रहे हैं भाई क्या रह गया, अरे भाई हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, आप हमें दबा नहीं सकते, और ये मानसिकता सत्ता पक्ष हो या प्रशासन पक्ष हो, अधिकारी पक्ष हो, IAS अधिकारी थे, उन्होंने 420 करी है, और उसका आज हमने अपने 10 आदिवासी लोगों को शहीद होते हुए देखा हुआ है, हमने मांग रखी है कि उनका स्मारक बनाया जाए, तो ये सब समस्याएं हैं, सामाजिक समस्या है, सामाजिक असमानता की समस्या है, जो खाइयां बनी हुई है आज तक हमारे देश, जो पिछले 5 सालों में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई पुलिसिया कार्रवाई इस दलित विरोधी सरकार की चल रही है, मुझे नहीं पता ये पुणे सरकार किस तरह से आई है जबकि पूरे देश में इसका विरोध चल रहा था, तो नया मामला निकल कर आ रहा है, सरकार में रहने के बावजूद सरकार के मंत्रियों के बड़े बड़े नाम इस नरसंहार के पीछे आ रहे हैं, अनुसूचित जाति के 10 लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है दिन दहाड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का दिन दहाड़े नरसंहार कर दिया जाता है, मैडम क्या है आपके विचार और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है आपकी मांगे सरकार से? देखिए सबसे पहले तो हमें अनुसूचित जाति जनजाति और इन टर्मिनोलॉजीज में नहीं फंसने की जरूरत है, हमें देखना है कि कौन से लोग हैं जो बार बार टारगेट किए जा रहे हैं, एक ही समुदाय है, आप क्यों नहीं फंसेंगे इस मामले में, फंसना तो पड़ेगा आपको, एक स्वर्ण जाति के अलावा बताइए पूरे देश में कौन हाहाकार मचा रहा है, बिल्कुल सभी के ऊपर जो अत्याचार, आप कैसे कह रही है इस बात को, हमें क्यों नहीं फंसना पड़ेगा मैडम, आप पक्ष रखिए, आप जो अनुसूचित जाति जनजाति में फंस रहे थे मैं उसकी बात कर रही थी, मैं सवर्णाज और अवर्णाज को नहीं ला रही हूँ, लाना चाहिए, मैं खुद अनुसूचित जाति से हूँ, मैं चमार जाति से हूँ, मुझे गर्व अपने ऊपर, आप बताइए आपको गर्व है नहीं है, आइए प्लीज, दलितों ने तो खूब ही अपनी जातियाँ छुपाई है, आदिवासियों ने कभी नहीं छुपाई है, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, आप बताइए अपना पक्ष, बात जो है सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों को जिसको हम बहुजन कहते हैं जिसमें ST SC OBC और एक मार्जिनलाइज्ड क्लास जो लगातार शोषित है और जो मीडिया जिसको बार बार छिपा रही है क्या बोल करके कि दबंगों के द्वारा किया जा रहा है, ये भूमि का सवाल पे यहाँ पे हत्याएं हुई है, ये मामला है ही नहीं, ये पूरी तरह से जातीय हिंसा का मामला है, जातियों के प्रति जो आपकी हेट्रेड है वो लगातार आप दिखाए जा रहे हैं और इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे ना सिर्फ गोंड समाज बल्कि झारखंड के कई आदिवासी मुंडा हो और अन्य कई जगहों से साथी यहाँ पे जमा हुए हैं, और सिर्फ आदिवासी समुदाय ही नहीं, जिनको लगता है एक मानव प्रेम भी कोई चीज़ होती है जहाँ मनुष्यता की बात की जाती है, वो सारे लोग इस हिंसा का विरोध करते हैं, जल जंगल जमीन की लूट के साथ अब जनों की लूट शुरू हो चुकी है, हमें उस पर भी बात करना पड़ेगा, हम संसाधन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हम यहाँ से इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात पहुंचाने की कोशिश करने के लिए अपील करते हैं कि जो पूरी जनता को यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे निचली जाति के लोग सिर्फ मारे गए हैं या भू वाला मामला है केवल, तो सिर्फ ये मामला नहीं है, रामायण महाभारत काल से ही जो एक टाइम पीरियड जो एक पूरी तरह से कहानी है कथा है उसको सच मान करके जो हिंसा की जाती रही थी तब भी वो आज भी इनके पास में है, सवर्णास के पास शायद काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हत्याएं ही आज बची रह गई हैं। पता नहीं है, बता दीजिए। उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आप अगर नोटिस कीजिए तो उन्होंने बोला है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जी, जी, तो 10 लोगों की मृत्यु उनके लिए कोई मामला नहीं है, जब तक अपने घर के लोग नहीं जाते हैं तब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं आती है, और BJP RSS का जो एजेंडा है हम उसके खिलाफ में खड़े होते हैं और आह्वान करते हैं कि देश के सभी आदिवासी संगठन बहुजन संगठन सारे दलित कम्युनिटीज़ के लोग सब लोग एक मंच पे आएं और
कोई भी मर रहा है, कोई भी मर रहा है, वहाँ पे आकर के अपनी आवाज़ उठाए। तो साथियों आपने सुने विचार, मैं सहमत हूँ मैडम की बातों से, लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं, लेकिन कब तक निवेदन करेंगे इस दलित विरोधी सरकार से? अब तो हमें सड़क पर आकर अपने हकों की अधिकार के लिए सड़क पर आकर लड़ना होगा, और कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है, क्योंकि सरकार के जो कर्म हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है, अगर सरकार चाहे तो इस स्थिति से बखूबी निपट सकती है, लेकिन नहीं, सरकार की मंशा नहीं है। आपने देखा तमाम ये आदिवासी जो लगातार जिनके जो हाशिए पर हैं, सैकड़ों वर्षों से अपनी ज़मीन को बोत जो और बोत रहे हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें उनके पट्टे उनको नहीं दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के आने का, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।